नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं वो है कैल्शियम क्लोराइड का। तो कैल्शियम क्लोराइड का पहले हम सिंपली फॉर्मूला लिखते हैं। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, क्लोराइड मतलब Cl। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है 1। ये वैलेंसी लिखी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई Ca * 1 Ca, Cl * 2 Cl2। तो ये फार्मूला लिखने का आपको क्या फायदा हुआ, ये फार्मूला लिखने से आपको एक बात कंफर्म होगी, वो क्या कि जब मैं कैल्शियम क्लोराइड का डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मुझे कैल्शियम का एक एटम लेना है और क्लोरीन के दो एटम लेने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिखा हमने कैल्शियम, और कैल्शियम की एटॉमिक नंबर अगर बात की जाए तो वो आएगा, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2882, मतलब मुझे इसको दो इलेक्ट्रॉन ही रिप्रेजेंट करने हैं, तो मैंने दो डॉट लगा दिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा रिप्रेजेंट करने होते हैं। नेक्स्ट आता है क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर फिल करो तो आएगा 287, तो मतलब मुझे इस पे 7 क्रॉस शो करने हैं, तो मैं यहाँ 7 क्रॉस शो कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब बात ध्यान से सुनो, ये कब स्टेबल होगा, जब ये अपने दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी 2880। और ये स्टेबल कब होगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो इसने तो अपने दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, लॉस कर दिए, पर ये तो उसमें से एक ही गेन करेगा, तो इसलिए एक क्लोरीन और हमें लगाना पड़ेगा। तो आप कहीं भी एक क्लोरीन और दिखाइए, जैसे कि लाइक हम यहां क्लोरीन दिखा देते हैं, इसके पास भी कितने क्रॉस होंगे, 7 क्रॉस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। तो देखो, तभी तो मैंने बोला था, अब कैल्शियम कितने जरूरत पड़े, एक, क्लोरीन कितने जरूरत पड़े, दो। आई बात समझ में, कॉन्फ़िगरेशन दो, इसने तो अपने दो लॉस किए ना, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया 2880 हो गया स्टेबल। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई बाद में 288 स्टेबल, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बाद में बन गई 288, ये भी स्टेबल। तो समझ में आएगा। तो इस प्रकार कैल्शियम क्लोराइड का डॉट स्ट्रक्चर ये बनेगा। रही बात हमारे ये इसमें आयन कौन से होंगे, तो कैल्शियम ने अपने दो लॉस किए हैं, तो 2+ आएगा। पीछे वाले फार्मूले में देखो, सोडियम क्लोराइड में हमने कहा था Na ने एक लॉस किया था तो Na+ आया था, Cl ने एक गेन किया था तो 1- आया था। तो सी कैल्शियम ने कितने लॉस किए, तो 2+। क्लोरीन ने बताओ, क्लोरीन ने भी तो एक ही लिया है, तो 1- ही आएगा। लेकिन बात ध्यान से सुनो, क्लोरीन दो है, देखो ये ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लगेगा ये बताएगा कितने एटम हैं, और ये जो ऊपर साइन लगेगा प्लस या माइनस के साथ वो बताएगा कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस हुए हैं। बात समझ में आ रही है। कैल्शियम ने दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे तो 2+, और कैल्शियम है कितने, एक, तो यहां पर 1 है, और क्लोरीन ने एक गेन किया तो 1-, और क्लोरीन है कितने, तो 2। तो ये इसका आयन्स हुए, ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हुआ, ये इसका फॉर्मूला हुआ। ये 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है। आप चाहो तो कोई और भी दे सकते हो, लाइक अगर मैं आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड का और बना के दिखाता हूं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो फार्मूला वी गेट Al2O3। तो ये फार्मूला बनाने से क्या हिंट हमें मिल गया, कि जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एल्यूमिनियम हमें 2 जरूरत पड़ेगी और ऑक्सीजन हमें 3 लेने पड़ेंगे। तो बनाते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, सो कॉन्फ़िगरेशन बन गई 283। और ऑक्सीजन की अगर बात करूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो कॉन्फ़िगरेशन बन गई 26। बात समझ में आ रही है, कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई 26। उसके बाद ध्यान से देखा जाए तो इस पर मैं 3 डॉट लगाऊंगा, 1 2 3, और इस पर मैं 6 क्रॉस लगाऊंगा, तो मैं इस पर 6 क्रॉस लगा देता हूं, 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आ रही है। अब ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन देगा, बट उन 3 में से ये तो 2 ही ले सकता है, तो इसलिए हमें एक आध ऑक्सीजन की और जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये अगर फार्मूला आपको बनाना आता है तो आपको फार्मूला बनाते ही ये बात पता है कि मुझे एल्यूमिनियम 2 लगाने पड़ेंगे और ऑक्सीजन 3 लगाने पड़ेंगे, तो एक एल्यूमिनियम और लगा देते हैं। कहीं भी लगाइए, वो कोई कंपल्शन नहीं है कि आप कहां पर लगाओगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहां पर एक एल्यूमिनियम और लगा देता हूं,
यहां हमने एक एल्यूमिनियम और लगा दिया, उसके पास भी तीन दिखाएंगे हम, ठीक है। और ऑक्सीजन हमें तीन लगाने हैं, तो एक ऑक्सीजन मैंने यहां लगा दिया, एक ऑक्सीजन यहां लगा हुआ है और एक ऑक्सीजन हम यहां लगा देते हैं और उसके भी हम क्रॉस फिल कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्रॉस हो गए 2, 3, 4, 5 एंड 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब ये देखो कहां से कैसे ट्रांसफर होंगे, ये इसका इलेक्ट्रॉन कोई भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही भेजना है आपको, ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए और ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए। आई बात समझ में? तो देखो एल्यूमिनियम ने, इस एल्यूमिनियम ने कितने लॉस किए, तीन, तो कितना चार्ज आ गया 3+, और एल्यूमिनियम है कितने, दो। एक ऑक्सीजन ने कितने गेन किए, दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एक ऑक्सीजन, ध्यान से देखो एक ऑक्सीजन दो गेन कर रहा है, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं तीन। तो ये इसके आयन हो गए Al3+2, O2-3। ये बड़े ध्यान से, इनमें कंफ्यूजन होती है, जो अंदर प्लस या माइनस के साथ लिखा हुआ है वो है कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होंगे टू बिकम स्टेबल, और बाहर ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ एटम। तो आई होप इन तीन एग्जांपल के साथ आपको आयनिक कंपाउंड के डॉट स्ट्रक्चर बनाने आए होंगे। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, फिर हम आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के कंपैरिजन को डिस्कस करते हैं। तो अब हम आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर लेते हैं। तो मैंने इसको टेबलेट फॉर्म में टोटल 6 प्रॉपर्टीज को यहां पर डिस्कस किया है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड की फिजिकल स्टेट क्या होती है। तो बेसिकली जब भी आप आयनिक कंपाउंड को पढ़ो तो मतलब आप सोडियम क्लोराइड को पढ़ रहे हो। सोडियम क्लोराइड मतलब जो आपके घर में नॉर्मल कॉमन साल्ट है ना, नमक है, जो हम उसको पढ़ रहे हैं। तो वो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जो फिजिकल स्टेट होती है आयनिक कंपाउंड की वो कौन सी होती है, सॉलिड होती है और वो ब्रिटल होती है। ब्रिटल वर्ड का मीनिंग क्या है कि अगर आप उन पे फोर्स लगाओगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे। कोवेलेंट कंपाउंड की जो फिजिकल स्टेट होती है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। सॉलिड टार्ट्रिक एसिड एग्जाम्पल है, लिक्विड इथेनॉल है, गैस इथेन है। ये एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हैं। ये कोवेलेंट कंपाउंड आपको तब समझ में एग्जैक्टली आएगा जब आप चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड करोगे। फिलहाल मैं आपको कंपैरिजन करवा रहा हूं। तो आयनिक कंपाउंड की स्टेट क्या होती है, फिजिकल स्टेट सॉलिड और ब्रिटल, और कोवेलेंट कंपाउंड की फिजिकल स्टेट क्या होती है, तीनों, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। नेक्स्ट आता है आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1074 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट होता है 1686 केल्विन। कभी कभी ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी आता है कि क्यों हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड का। तो वो इसलिए हाई होता है क्योंकि देखो आयनिक, आयन ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं, और आयनिक बॉन्ड वो होता है जो दो आयन्स के बीच में होता है, और वो दो आयन्स कौन से होते हैं, कटायन पॉजिटिव वाला, अनायन नेगेटिव वाला, और प्लस और माइनस के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स मानी जाती है जो दो चार्जेस के बीच में, दो आयन्स के बीच में फोर्स होती है। और अगर हमें उस फोर्स को तोड़ना है तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी रीजन की वजह से आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स में, व्हाई द आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव कटायन एंड द नेगेटिव अनायन। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में तो कोई ऐसा होता नहीं है, कोई कटायन नहीं होता, कोई अनायन नहीं होता, इसलिए कोई कटायन अनायन नहीं है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है, हालांकि हाइयर होता है बट इनके कंपैरिजन में लो होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, जो ये आयनिक कंपाउंड होते हैं ये पहले हम प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली पोलर होते हैं। पोलर का मतलब इनके पास पोल होते हैं। पोल का मतलब इनका पॉजिटिव और नेगेटिव अलग होता है। जैसे आपने अभी एग्जांपल देखे भी थे कुछ, एक हमारे Na+, Cl-, Al3+, O2- है ना, प्लस और माइनस अलग अलग थे। तो जिसमें प्लस और माइनस अलग अलग होते हैं वो पोलर होते हैं, और जिनमें प्लस माइनस अलग नहीं होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। और ये बड़ा सिंपल सा रूल है कि पोलर सब्सटेंस में मिक्स होता है, नॉन पोलर में मिक्स होता है। तो जो ये हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं ये सोल्यूबल होते हैं वाटर में, नमक कॉमन साल्ट आप वाटर में स्टिर करते हो, हिलाते हो, मिक्स हो जाता है। लेकिन पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल ये जो सॉल्वेंट हैं इनमें ये मिक्स नहीं होते हैं।
तो आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल होते हैं वाटर में और इनसोल्यूबल होते हैं पेट्रोल और कैरोसिन में, बट जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ये अल्कोहल में, कैरोसिन ऑयल में, बेंजीन में, ये CCl4 लिखा हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन जैसे सॉल्वेंट में ये मिक्स हो जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, ये कब बनते हैं आयनिक कंपाउंड, फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, और ये कब फॉर्म होते हैं, फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के शेयर करने की वजह से बनते हैं। शेयरिंग भी मैं आपको कंप्लीट अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट फिलहाल अभी नहीं, ठीक है, जब आप हम 4 चैप्टर वो कर लेंगे तब ये आपको बड़ा आसान और बड़ा इजी लगेगा। तो ये कब फॉर्म होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, और ये कब होते हैं, जब शेयरिंग होती है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट एक और प्रॉपर्टी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट इन मोल्टन स्टेट डज, आयनिक कंपाउंड अपने सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। इसके लिए हम सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो क्या कि एक बीकर लो, उस बीकर के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगाओ, दो इलेक्ट्रोड लगा के एक बैटरी या फिर सेल लगाओ और एक बल्ब लगा दीजिए, ठीक है, और यहां पर इसमें नमक डाल दीजिए, कॉमन साल्ट डाल दीजिए। अब कॉमन साल्ट है तो मतलब वो क्या है, आयनिक कंपाउंड। तो जैसे ही यहां पर आप एक चाहो तो की भी लगा सकते हैं, यहां पर हम चाहे तो एक की भी लगा सकते हैं। तो जब मैं इस की को ऑन करूंगा तो अगर ये बल्ब ऑन हो गया तो मतलब करंट पास हुआ, और बल्ब ऑन नहीं हुआ तो करंट पास नहीं हुआ। तो ये बल्ब जो है वो ऑफ रहता है, क्या रहता है, ऑफ, इसका मतलब करंट पास नहीं होता, मतलब आयनिक कंपाउंड अपनी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। बट अगर हम मोल्टन स्टेट ले ले, मोल्टन स्टेट होता है कि नमक के अंदर अगर हम वाटर मिक्स कर दें तो मोल्टन स्टेट बन जाएगी। तो वाटर को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्लू मार्कर यूज करता हूं। तो जब मैं इसको यहाँ पर वाटर ऐड कर दूंगा तो ये हो गया साल्ट प्लस वाटर, तो ये मोल्टन स्टेट बन गई। अब फिर से हम इसको ऑन करेंगे तो अब देखते हैं कि ये अब की बार ऑन हो जाता है, इसका मतलब आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्वेश्चन आता है क्यों सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करता, वो सॉलिड स्टेट में इसलिए कंडक्ट नहीं करता क्योंकि जो उसके आयन है ना, पॉजिटिव वाला कटायन और नेगेटिव वाला अनायन, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो फ्री नहीं है मूव करने के लिए। लेकिन जैसे ही हम वाटर डालते हैं तो उसका प्लस और माइनस फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, और अगर करंट को वाटर में से पास होना है तो फ्री मूवेबल आयन्स प्रेजेंट होने चाहिए, ये बात याद रखना, ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स में अलग से बन सकता है। और कोवलेंट कंपाउंड तो किसी भी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ना सॉलिड स्टेट में, ना लिक्विड स्टेट में, ना गैसियस स्टेट में, ना ही मोल्टन स्टेट में। तो मैं दोबारा आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड, कोई भी आ सकता है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कोई भी एक आ सकता है, उसमें आयन पूछ सकता है, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकता है, व्हाट आर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड पूछ सकता है, या व्हाट आर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड आपसे पूछा जा सकता है, या कंपैरिजन भी हो सकता है, वो सब यहाँ पर हमने मेंशन किया है। और ये 2 क्वेश्चन, व्हाई द आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, अलग से 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंस है, और व्हाई डज द आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट रीजन, ये भी 3 मार्क्स में अलग से क्वेश्चन बनता है। तो इसी वीडियो के साथ हमने आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड को कंप्लीट किया। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।